हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को बताया, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और आज की हमारी जो क्लास होने वाली है ये होगी एमए फर्स्ट ईयर के सोशियोलॉजी के सेकंड सेमेस्टर का यूनिट नंबर 4, पेपर 1 का यूनिट नंबर 4 हम स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नंबर 1, 2 और 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज चैनल पर विजिट करके आप वीडियोज देख सकते हैं। तो यूनिट नंबर 4 का आज हमारा डे नंबर 1, तो पिछली वीडियोज के लिए आप जरूर चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 4। ओके, तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। तो ये आपका जो चौथा यूनिट है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो फर्स्ट पेपर है इसमें 5 यूनिट है, जिसमें आपको 5 अलग अलग विद्वानों के बारे में पढ़ना है, उनसे रिलेटेड जितना भी उन्होंने सिद्धांत दिया हुआ है, जो उनकी थ्योरी है, उन सभी टॉपिक्स पर हमको बात करनी है। तो आज का जो हमारा फोर्थ नंबर यूनिट है ना, फोर्थ नंबर यूनिट में आपको जो है विद्वान कौन है इसके लिए, कार्ल मानहीन। इसमें हमको कार्ल मानहीन जी के बारे में पढ़ना है कि कार्ल मानहीन के क्या थॉट्स हैं, क्या विचार हैं, क्या उन्होंने इस चीज़ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं, उनके सिद्धांत कौन कौन से हैं, उन चीज़ों पर हमको बात करनी है। तो इसमें देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि कार्ल मानहीन के विषय में आप क्या समझते हैं, मैनहेम के ज्ञान के समाजशास्त्री सिद्धांत का वर्णन करो। ओके, अब बात करते हैं कार्ल मैनहीम का, जिनका जो है टाइम पीरियड रहा 1893 से 1947 तक। मैनहीम जो थे ये कार्ल जर्मन समाजशास्त्री थे। 27 मार्च 1893 को ये बुडापेस्ट में पैदा हुए और 9 जनवरी 1947 में लंदन में इनका निधन हो गया। उन्होंने वर्लिन विश्वविद्यालय, पेरिस विश्वविद्यालय और जो है हीडलबर्ग विश्वविद्यालय में अध्ययन करके 1918 में अपने पीएचडी की डिग्री प्राप्त किया। हीडलबर्ग में 1926 से लेक्चरर विश्वविद्यालय समाजशास्त्र के रहे। 1930 में प्रोफेसर बने फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में और 1933 में कारण नाजी उत्पीड़न के कारण वो ब्रिटेन भाग गए, या तो अर्थशास्त्र के प्राध्यापक के लंदन स्कूल, उन्होंने 1942 के शिक्षा में लंदन से जाकर के वो लंदन के प्रोफेसर बनते हैं। 1942 में लंदन विश्वविद्यालय में उनका प्रोफेसर का डिग्री लगता है, प्रोफेसर बनते हैं वो और वहाँ पर वो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो जीवन के बारे में अगर बात किया जाए कि इनकी जीवन कैसा रहा, तो इनका जन्म जो है 1893, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है, क्योंकि इनका जो 27 मई जो है 1893 पे फरवरी में इनके पिता, मतलब ये पैदा हुए। माता पिता मध्यम वर्ग के यहूदी हैं, जर्मन हैं। बुडापेस्ट हंगरी ने बौद्धिक हलंकों के सक्रिय अर्ली मैनहेन जर्मन आदर्शवाद से काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने कहा कि सर्वहारा क्रांति की जो अवधारणा है उससे वो सहमत नहीं थे। बाद में इसी के कारण राजनीति भागीदारी के लिए मैनहीन जर्मनी उनकी दूसरी अवधि शुरू होती है वहां से, और इस अवधि में मैनहीन अप्रिय राजनीतिक जो अनुभव रहा है उसके आधार पर चीजों को सीखते हैं और लोगों को शेयर करते हैं। 1933 में मैनहीन ने ब्रिटेन से प्रवास करके जो है लंदन की अवधि से वहां पर पहुंचते हैं और उसके बारे में बातचीत करते हैं। वस्तुएं बदल जाती हैं, पढ़ाने के लिए जो है शिक्षा में जो उनका क्षेत्र रहा उन्होंने समाजशास्त्र को चूज किया, और समाजशास्त्र में उन्होंने काफ़ी कुछ शोध किए, काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली और इन्होंने सार्वजनिक बातचीत भी किया इन चीज़ों को लेकर के। सामाजिक पुनर्निर्माण के कई सारे मुद्दों पर इन्होंने ध्यान दिया और 54 साल की उम्र में 1947 में जो है उनकी उम्र हो, मतलब उनकी मृत्यु की टाइम हो जाती है और वो इनकी मौत हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं कि इनकी उपलब्धियों की। तो मैनहेन ज्ञान का समाजशास्त्र के संस्थापक हैं और मुख्य प्रतिनिधियों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि मानव चेतना आधुनिक ज्ञान मीमांसा के सभी बुनियादी तत्व हैं, जो लोगों की सामाजिक स्थिति पर आत्मनिर्भर है कि वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। इस पर गहरे चेतना श्रेणी जो है संरचना में जिस प्रकार के, जिस तरह के समाज में कार्य करने का फैसला किया जाता है, बाधाओं का अस्तित्व ज्ञान का समाजशास्त्र का सैद्धांतिक आधार बनता है। तो इस तरीके से इन्होंने इन चीज़ों पर बात किया और उन्होंने कहा जो अधिनायकवाद तानाशाही युग है तो उसके डिज़ाइन को जो है ख़त्म करने के बारे में बात किया इन्होंने। ओके, ज्ञान का समाजशास्त्र के इतिहास में अंग्री में पैदा हुए मैनहीन ने एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा भी टच किया था, और समाजशास्त्र में पश्चिमी समाजशास्त्र में 20वीं सदी की न्यू और उसकी विकास में इन्होंने भूमिका ही नहीं बल्कि जो अमेरिका के समाजशास्त्री थे कॉर्जर, उन्होंने सोचा था कि ये कि स्वामी एक किताब में है, मतलब उन्होंने सोचा था कि ये जो चीज़ें वो बता रहे हैं कि समाजशास्त्री सोचा था कि स्वामी वो इस किताब के राइटर बनते हैं। और मैनहेन जो है जीवंत मस्तिष्क ने समाजशास्त्र के कई सारे क्षेत्रों में उन्होंने काम किया और आमतौर पर उस आदमी को माना ज्ञान समाजशास्त्र का। हेमेन उस पर कई सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं कि सबसे ज़्यादा टिकाऊ भाग क्या है, कैसे समाज बनते हैं, क्या चीज़ें हैं, तो सामाजिक जीवन पर इनका काफ़ी महत्वपूर्ण जो है पॉइंट रहता है।
अब ज्ञान का समाजशास्त्रीय सिद्धांत के बारे में बात किया जाए तो मैनहीन ने ज्ञान के समाजशास्त्रीय सिद्धांत को कुछ पॉइंट्स पर बताया हुआ है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर हम ज्ञान के समाजशास्त्र को समझ सकते हैं कि आखिर ज्ञान का समाजशास्त्र है क्या। तो इन्होंने कहा है कि दो मुख्य रूपों में, यानी कि स्थिति से संबंधित राजनीतिक ज्ञान और मानविकीय और सामाजिक वैज्ञानिक ज्ञान, यह स्थिर पर निर्भर है। और इसका मतलब यह है कि अस्तित्व से विवश या इससे पहले फॉर्म या निर्णय द्वारा शर्तों में रहने वाले जो ज्ञान धारक है वो ज्ञान की क्या है, एक विचारधारा है। दूसरी चीज कहो, यानी कि मानविकी और सामाजिक विज्ञान, तो ज्ञान का वो जो मतलब एक जो है बस विपरीत रूप में, उसे छोटा मतलब या नहीं देना है कि अस्तित्व के विवश में वो चीजें। दरअसल इस ज्ञान में ऐसी है कि 2 × 2 = 4, ऐसे निष्पक्ष नहीं है ये ज्ञान, लेकिन इसको मतलब सटीक तरीके से वैज्ञानिक सापेक्ष में देखा जा सकता है कि क्या चीजें हैं, किस तरीके से वैज्ञानिक सापेक्षवाद काम करेगी। ओके, तो इस तरीके की चीजें थी। तीसरा, उन्होंने कहा कि ज्ञान की जो जो एपिस्टोमोलॉजिकल समाजशास्त्र है उसकी एक पूरी तरह से परिवर्तन का आधार माना जाता है कि इनकी रचनाएं, इनकी सोच, इनकी समझ जो है इसने कई सारी चीजों को परिवर्तित किया। चौथी चीज कि हम दो मुख्य विचारधारा के बीच जो भेद करने की जरूरत है वो है विशेष सिद्धांत। कि कुछ विशेष सिद्धांतों के बारे में इन्होंने बताया कि कुछ लोगों की अपनी कुछ विशेष सिद्धांत होती है, अपनी कुछ आइडियोलॉजी होती है, और वो सिद्धांत जो होते हैं वो एक तरीके से काम करते हैं। और दूसरी होती है कि सार्वभौमिक सिद्धांत, यानी कि जो सभी के लिए होती है, वो किसी की विशेष नहीं होती है बल्कि वो हर जगह पर अप्लाई किया जा सकता है, तो एक तरीके का उसको कह सकते हो सार्वभौमिक सिद्धांत। अगला है ज्ञान का समाजशास्त्र विचारधारा और जो है स्वप्रलोचन अनुसंधान के साथ कनेक्टेड होता है। कि ज्ञान का समाजशास्त्र जो है उसकी अपनी एक विचारधारा होती है, आइडियोलॉजी होती है, और एक स्वप्रलोक अनुबंधन के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। अगली चीज़ थी कि ज्ञान का समाजशास्त्र की जो संभावना है वो राजनीतिक विज्ञान के लिए जो है नए वैज्ञानिक आधार बन जाते हैं, कि नई नई चीज़ें आती हैं और उससे जो है एक मुक्त बहाव बनता चला जाता है समाज में। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि कार्ल मैनहीन का जो विचार था या कार्ल मैनहीन क्या थे, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उस पर बात किया। अब बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की, जिसमें हमको बात करना है कि कार्ल मैनहीन ने वैचारिक और स्वप्न चिंतन को ज्ञान के जो है समूह शास्त्र का आधार माना है, इसकी विवेचना करनी है, या वैचारिकी पर कार्ल मैनहीन के विचारों का वर्णन करना है, या स्वप्न चिंतन के बारे में जो इन्होंने बताया है कार्ल मैनहीन का विचार है उस पर डिपेंड कर मतलब बात करनी है। तो देखो, ज्ञान के समाजशास्त्र के क्षेत्र में कार्ल मैनहीन का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। उसने ज्ञान के समाजशास्त्र की विवेचना करते हुए वैचारिक और स्वप्न चिंतन को बहुत ज्यादा महत्व प्रदान किया है। मैनहीन के अनुसार ज्ञान का विकास जो है वो सामूहिक ज्ञान की एक सामाजिक पहल है, इसलिए उसने ज्ञान के विकास को जो है एक सामाजिक प्रक्रिया माना है। और उपर्युक्त दोनों अवधारणाएं इस मान्यता पर आधारित हैं कि विचारकों को यथार्थ की कसौटी पर कसना चाहिए, यानी कि जो भी विचार हैं उनको हमको इस तरीके से देखना है कि क्या वो यथार्थता पर प्रैक्टिकलिटी पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो उपर्युक्त दोनों जो अवधारणाएं हैं वो इस मान्यता पर आधारित हैं कि यथार्थ पर वो आ रहे हैं या नहीं। दोनों का एक दूसरे से परस्पर काफ़ी जो है घनिष्ठ कनेक्शन है, घनिष्ठ संबंध है, और जो है दोनों ही यथार्थ से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, और इस कारण दोनों में भिन्नता और अंतर को पाना भी काफ़ी ज़्यादा कठिन पाया जाता है। वस्तुतः जो प्रारंभिक अवस्थाएं हैं उसमें वैचारिकी का अर्थ जो है वो विचारों के सिद्धांत, यानी कि थ्योरीज ऑफ थॉट जो हैं विचारों का सिद्धांत, कि किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या चीज़ है, उससे लगाया गया। लेकिन मैनहीन ने विचारकों की संवेदना जो है विवेचना की है और उससे कुछ अलग चीज़ों के बारे में बात किया हुआ है। वैचारिकी का अर्थ किसी समूह या समाज के उस विचार पद्धति से है जो स्वार्थवद्ध हो, यदि वे स्वार्थ परिवर्तित नहीं होंगे तो विचार चिंतन अस्थायी रहेगा और नए युग की मांगों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारी चेतना एवं विचार भौतिक जगत से उत्पन्न होते हैं, इसे हम दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि पदार्थ जो है वो मानवीय चेतना की उपज ना होकर के स्वयं चेतना ही पदार्थ की सर्वोत्तम उपज है। भौतिक वस्तुओं के परिणाम स्वरूप हमारी विचार चेतना और दर्शन से कनेक्टेड होकर के उस चीज़ से जन्म लेती है एक नई चीज़। और मैनहीन ने कहा है कि विचार की स्वार्थ बुद्धि जो है वो चिंतन है, और स्वार्थ बुद्धि चिंतन होने के कारण इसको यथार्थ की अपेक्षा की जा सकती है कि हाँ ये यथार्थता पर आएगा। वैचारिकी स्वार्थबद्ध होने के कारण जो है ये चीज़ों को स्थिर रख करके तोड़फोड़ अपने करने की बात की जाती है, कि तोड़फोड़ करके उसको एक अच्छी चीज़ दी जा सके जिससे परिस्थिति ना बदलने पाए, मतलब जो चीज़ है उसी वही रहे, बस हम उस पर कुछ चीज़ें चेंज कर दें, एड ऑन कर दें, मतलब उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो चीज़ें चेंज हो जाए। अब वैचारिकी की अवधारणा के बारे में बात किया जाए कि कार्ल मैनहीन ने वैचारिकी की अवधारणा पर क्या बात किया हुआ है। तो वैचारिकी शब्द का प्रयोग जो है विद्वानों ने तमाम सारे अर्थों में किया हुआ है। यदि शाब्दिक दृष्टि से इसकी विवेचना की जाए तो वैचारिकी का अभिप्राय जो है वो विचारों की व्यवस्था से लगाया जा सकता है, कि विचारों की व्यवस्था क्या है।
और इस अर्थ में उसके अंतर्गत अमूर्त विचार और चिंतन दोनों को सम्मिलित किया जा सकता है। और इसी आधार पर प्रारंभिक अवस्थाओं में ऐसा माना गया था कि बैचारकी शब्द का प्रयोग विचारों के सिद्धांत के लिए किया जाता है। और यदि हम आधुनिक युग में बैचारकी शब्द की विवेचना करें तो ऐसा लगता है कि बैचारकी की अवधारणा बिल्कुल ही उसके अलग जाती है। आधुनिक युग में बैचारकी की अवधारणा केवल विचारों की व्यवस्था से संबंधित नहीं है, बल्कि विचारों की एक हित संबद्ध व्यवस्था को स्पष्ट करती है। अब कार्ल मैनहीन के अनुसार मानव की उस चिंतन पद्धति को बैचारकी के नाम से जाना जाता है तो वर्तमान स्थिति को बनाए रखने में मदद करती है, यानी कि जो वर्तमान स्थिति को बनाए रखने में मदद करती है उसी को बैचारकी माना जाता है। और यह बैचारकी स्वार्थबद्ध होती है, इसीलिए विरोधी विचारों को इसमें कोई स्थान नहीं मिलता है। और इसीलिए कहा जाता है कि बैचारकी जो है वो स्वार्थबद्ध के साथ साथ स्थितबद्ध चिंतन भी है, और यह बैचारकी पूरी तरह से सामूहिक स्वार्थ से जुड़ी हुई होती है। इसलिए इसके माध्यम से जो भी विचार व्यक्त किए जाते हैं वो समस्या के समस्त पहलू पर चिंतन नहीं करते हैं, बल्कि इससे स्पष्ट होता है कि वह चिंतन की पद्धति है जो सत्य के ऊपर पर्दा डाल देती है और जिसमें उनका फायदा होता है, जिसमें उनका स्वार्थ होता है, जिससे उनको चीज़ें मिल सकती है, अच्छी हो सकती है, उसी चीज़ पर वो बात करते हैं और दूसरी चीज़ों पर वो बात नहीं करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें होती हैं। ये कार्ल मैनहीन का विचार था। अब कार्ल मैनहीन ने बैचारकी का वर्गीकरण सामाजिक और ऐतिहासिक विश्लेषणों के आधार पर प्रस्तुत किया है और उन्होंने दो भागों में इसको बांटा हुआ है। पहला है व्यक्तिगत विचार की, यानी कि पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्शन ऑफ आइडियोलॉजी है उस पर बात किया है। तो मैनहीन ने जो है व्यक्तिगत बैचारकी की विवेचना करते हुए लिखा है, क्या लिखा उन्होंने, कि व्यक्ति विशेष की बैचारकी उस व्यक्ति के निजी स्वार्थों से संबंधित होती है, यानी कि किसी व्यक्ति विचार की अगर कोई आइडियोलॉजी है, कोई बैचारकी है, तो वो केवल एक व्यक्ति के स्वार्थ से ही जुड़ी होगी। इसलिए जब हम ऐसे व्यक्ति से जो विशिष्ट बैचारकी रखता है बातचीत करते हैं तो ये समझते हैं कि वास्तविकता को जो है विकृत रूप देकर के अपने पक्ष के अनुसार वो चीज प्रस्तुत किया जा रहा है, अपने हिसाब से उस चीजों को चेंज किया जा रहा है। और इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि बैचारकी ऐसे विचारकों की पद्धति को कहते हैं जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण दूसरों के विचारों को काटा जाता है। बैचारकी का संबंध जो है वो व्यक्ति के ज्ञान के मानसिक पक्ष से होता है। व्यक्ति दूसरे के विचारों को इसलिए काटता है ताकि उसके अपने स्वार्थ पूरे हो सके, उसकी जो इच्छा है या वो जो बोलना चाहता है, वो जो बताना चाहता है, वो चीज़ें हो सके। तो व्यक्तिक मनोवैज्ञानिक तथ्य है और यह व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं, प्रेरणाओं और उद्देश्यों को स्वीकार करती है कि उनकी प्रेरणा क्या है, उनकी स्थिति क्या है, मानसिक स्थिति क्या है, तो उस चीज़ पर डिपेंड करता है। अब बैचारकी के अंतर्गत व्यक्ति जो भी विचार करता है तो उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति से वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है, यानी कि आप जिस तरह की सामाजिक स्थिति में रहते हैं आपकी आइडियोलॉजी उसी तरीके से काम कर रही होगी। यह समूह बैचारकी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और उदाहरण के लिए गांधी जी की अहिंसा का आंदोलन, यदि हम इसे सिद्धांत की विवेचना करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि मूल रूप से इसका जो आधार था वो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक ही था। संपूर्ण विचार की क्या होती है, पहली हमारी थी व्यक्तिगत विचार की, दूसरा है टोटल आइडियोलॉजी, यानी कि कार्ल मैनहीन ने संपूर्ण विचार की विवेचना करते हुए क्या लिखा हुआ है कि संपूर्ण विचार की वो विचार पद्धति है जो किसी व्यक्ति विशेष की ना होकर के एक समस्त वर्ग की या समूह की या युग की ही विचारधारा होती है। संपूर्ण विचार की का संबंध जो है वो ऐतिहासिक सामाजिक समूह से है। तो उपर्युक्त जो परिभाषा है इससे अर्थ यह निकलता है कि संपूर्ण विचार की का अभिप्राय है किसी युग विशेष की विचार की एक युग में किस तरीके की विचारधारा थी, क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, उस चीज के बारे में बात किया गया। और इस विचार जो है बैचारकी में व्यक्तिगत स्वार्थों के समान पर, यानी कि उसका जो स्थान है उस पर आधार पर सामूहिक जो स्वार्थ है उसमें पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए भारतवर्ष में कर्म, मोक्ष आदि से संबंधित विचार संपूर्ण बैचारकी हैं। और इसी प्रकार पराधीन के समय में राष्ट्रीय संपूर्ण बैचारकी थी। इसी प्रकार मार्क्सवादी विचार जो है चीन में, रूस में संपूर्ण विचार की रही। तो जब कोई विचार जो हो वो पूरे समूह का विचार बन जाए तो उसको हम संपूर्ण विचार की के नाम से जानते हैं। संपूर्ण समाज में जो है स्वार्थबद्ध चिंतन को सामूहिक विचार की कहा जाता है। अब विचार की का उद्देश्य उस परिस्थिति को बनाए रखने जिस परिस्थिति में उसका जन्म हुआ है वही होता है। अब इसको वर्गीकरण काल में मैनहीन ने कई सारे भागों में किया हुआ है। आइए देखते हैं कि उन्होंने किन किन भागों में जो है विचार की का वर्गीकरण किया हुआ है। तो पहला उन्होंने कहा है अमूल्यात्मक या मूल्यात्मक विचार की। अब ये क्या होता है, अब अमूल्यात्मक जो विचार की है उसका यह अर्थ है कि जिसका जन्म जो है विश्व के प्रति अमूल्यात्मक दृष्टि से हुआ है, यानी कि इस विचार की के अंतर्गत ना जो है हम किसी निश्चित काल के मूल्यों को स्वीकार करते हैं जबकि किसी काल विशेष के मूल्यों को ध्यान में रख करके विचार व्यक्त करते हैं। तो इसे कार्ल मैनहीन ने अमूल्यात्मक विचार की कहा हुआ है। दूसरी चीज अगर बात किया जाए मूल्यात्मक बैचारकी की, तो उपर्युक्त बैचारकी के विपरीत की जो अवधारणा है उसे ही जो है मूल्यात्मक दृष्टिकोण कहेंगे। और इस काल विशेष में क्या होता है कि हम किसी काल विशेष के मूल्यों को
पूर्व मान करके विचार करते हैं और इसमें विचार की जो विवेचना करते समय मूल्यांकन का दृष्टिकोण अपनाते हैं तो यह चीज होती है। नेक्स्ट है आपका फॉल्स जो कॉन्सियसनेस होता है हमारी दोषपूर्ण चेतना वो किस तरीके से इस पर इम्पैक्ट करती है। तो मैनहीन द्वारा प्रतिपादित जो वैचारिकी की विवेचना करते समय दोषपूर्ण वैचारिकी का स्थान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैनहीन के अनुसार दोषपूर्ण चेतना का अभिप्राय विचारों की स्थिति से है। जब कोई व्यक्ति अपने को अपने स्वार्थबद्ध विचारों के आधार पर देखता है तो जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि वैचारिकी स्वार्थबद्ध होती है, और जब कोई व्यक्ति या समूह इस चीज को स्वार्थों में इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है तो वो तथ्यों को वास्तविक रूप में ना देकर के वैचारिक दृष्टि से देखता है। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर कोई आइडियोलॉजी पसंद है तो फिर वो उसको रियलिटी की तरह नहीं देख सकता, वो कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड होता है और उसको उसकी अच्छाइयां ही दिखती है, उसकी बुराइयां नहीं दिखती है। जो भी लोग जिस भी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उनको उसकी अच्छाइयां ही दिखती है, बुराइयां नहीं दिखती है, मतलब उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। यथार्थ के ज्ञान के अभाव में व्यक्ति अपनी भूमिका का जो अर्थ है वो गलत निकालने लगता है। मतलब इससे क्या होगा, यथार्थ का अभाव हो जाएगा क्योंकि लोग आइडियोलॉजी की जो इमोशंस है उसी में बह रहे होंगे। ओके, तो इससे सामाजिक जीवन की जो परिस्थितियां हैं उसके परिवर्तन के बारे में हमको जानकारी नहीं मिल जाएगी, और परिवर्तन के अभाव में व्यक्ति का चिंतन कुंठित हो जाता है और उसे समाज उसी प्रकार से दिखता है जैसे कि एक रंगीन चश्मा लगा करके हम दुनिया को देखें तो दुनिया में रंगीन उसी रंग का दिखाई दे, तो उसी तरीके का हो जाता है। इसीलिए मैनहीन का ऐसा मानना है कि जब हम वैचारिकी का अध्ययन करें तो ऐसा करते समय सबसे पहले हमें किसी काल विशेष के विचारों के औचित्य को निर्धारित करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें मूल्यात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मूल्यात्मक दृष्टिकोण के द्वारा ही हम सामाजिक जीवन की जो वास्तविकता है उसका ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दोषपूर्ण चेतना के परिणाम स्वरूप व्यक्ति जो है वो वैचारिकी रूपी चश्मा पहन लेता है जिससे उसे श्रावण के महीने में अंधे होने वाले व्यक्ति की भांति संसार की सभी घटनाएं सिर्फ हरी ही हरी दिखाई देती हैं। यानी कि जैसे कहा गया ना कि श्रावण के महीने में जो व्यक्ति अंधा हो जाता है तो उस समय पूरा संसार जो है हरा हरा रहता है, तो उसको लगता है कि अब पूरी दुनिया हरी हरी ही है क्योंकि उस टाइम पे वो अंधा हो गया तो उसके बाद उसने देखा नहीं दुनिया। तो भारतवर्ष में इसी प्रकार के अनेक भारमक जो है धारणाएं घर कर गई हैं, जैसे जाति अस्पृश्यता हो गया। तो मैनहीन का विचार है कि व्यक्ति वर्तमान की परिस्थिति को बनाए रखने के लिए भ्रामक चेतना को जन्म देता है, इससे समाज में असंतुलन की स्थिति पैदा होती है और यह सामाजिक असंतुलन जो है वो अनेक समस्याओं को जन्म देता है। तो यह चीज हो गई। दूसरा है स्वप्न चिंतन। वैचारिकी स्वार्थबद्ध जो है चिंतन होता है, जो ये स्वप्न चिंतन है यह वैचारिकी स्वार्थबद्ध चिंतन है और इसका संबंध किसी विशेष परिस्थिति से होता है। स्वप्न चिंतन के अंतर्गत वो विचार आते हैं जो वर्तमान में जो है बंधे हुए नहीं होते हैं, बल्कि इनकी जो उत्पत्ति होती है वो वर्तमान में जरूर होती है लेकिन इनका जो संबंध होता है स्वप्न चिंतन का ये भविष्य से होता है। स्वप्न चिंतन ऐसे विचारों को कहा जा सकता है जो यथार्थ से अलग हों, साथ ही प्रत्येक समय में मानव वास्तविकताओं से दूर रहे हों, यानी कि जो वास्तविकता है यथार्थता है उससे दूर रहे हों। और इस प्रकार स्वप्न चिंतन का तात्पर्य विचारों की ऐसी श्रृंखला से है जो विचारों को कर देते जो है ट्रांसेंडेंट कर देते हैं, मतलब भेज देते हैं दूसरी तरफ। स्वप्न चिंतन के अंतर्गत हम ऐसे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं जो वर्तमान सामाजिक परिस्थिति और जीवन में मौजूद नहीं होते हैं। स्वप्न चिंतन मानव जीवन के उन आदर्शों का योग है जिन्हें हम वर्तमान वातावरण में प्राप्त नहीं कर सकते, और यही कारण है कि हम कल्पनाओं के माध्यम से ऐतिहासिक सत्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है कि स्वप्न चिंतन की जो अवधारणा है इसको हम अगर समझना चाहें तो इससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि मानव सिर्फ परिस्थितिबद्ध और स्वार्थपूर्ण चिंतन ही नहीं करता है बल्कि वो अपनी परिस्थिति से अलग होकर के नैतिक और आदर्शात्मक चिंतन भी करता है कि क्या चीज सही है क्या चीज नहीं सही है। स्वप्न चिंतन किसी भी समाज के बौद्धिक विचारों का परिचायक होता है कि कोई भी समाज की बौद्धिक स्थिति किस लेवल पर पहुंची है और वो उसी के आधार पर अपने फ्यूचर की भी कल्पना कर पाएगा। तो स्वप्न चिंतन की परंपरा समाज में निरंतर प्रभावित होती रहती है और जब कोई विशिष्ट परिस्थिति पुरानी पड़ जाती है तो स्वप्न चिंतन ही उसका आधार होता है और कुछ नए विजन्स के द्वारा कि क्या हमारा फ्यूचर हो सकता है, तो उस सपने के द्वारा ही उस समाज को उस विचारों को बदला जा सकता है, नए विचार दिए जा सकते हैं। तो स्वप्न चिंतन के द्वारा निरंतर नए नए विचार उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार मानव चिंतन का क्रम लगातार जारी रहता है। तो स्वप्न चिंतन का ये जो चिंतन है इसके माध्यम से व्यक्ति भविष्य का एक जो सुखद स्वप्न देखता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा और उसके लिए क्या होता है नई आशाओं को जन्म देता है और कल्पना के महल बनाता है। स्वप्न चिंतन के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को गहरी निराशा का भी सामना करना पड़ सकता है कि यदि गंभीरतापूर्वक विवेचना करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वप्न चिंतन का जन्म जो है वो निराशा से होता है। जब व्यक्ति जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है रूढ़िवादिता चल रही
या समाज का वर्तमान स्थिति से ऊब जाता है तो वो कुछ कल्पना करना स्टार्ट करता है और उससे परिवर्तन की आकांक्षा प्रबल हो जाती है और स्वप्न चिंतन का इसके लिए सहारा लेता है और वो चाहता है यार ये बदलनी चाहिए बदलनी चाहिए। लेकिन जब वो बदलता नहीं हो तो उसको डिप्रेशन भी हो सकता है। तो स्वप्न चिंतन अस्थायी विचारों से संबंधित नहीं होते हैं, इनके जो तत्व हैं और स्वरूप है उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिसका कारण यह है कि स्वप्न चिंतन का जन्म तब होता है जब कोई व्यक्ति जो विशेष अस्तित्व है उसके ऊपर उठ करके नए विचारों को जन्म देता है और कालांतर में स्वप्न चिंतन व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाओं का भी प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। स्वप्न चिंतन की परिभाषाओं के बारे में बात किया जाए तो समाज में स्वप्न चिंतन की जो व्यवस्थित विचारधारा है उसका चिंतन कार्ल मैनहीन ने दिया है और उनके चिंतन की जो परिभाषाएं हैं वो इस प्रकार से है। जैसे कि उन्होंने कहा कि स्वप्न चिंतन एक ऐसा विचार है जो केवल वर्तमान स्थिति के जो है संबंध में भावी परिस्थिति के संबंध में होता है। ओके, दूसरा इन्होंने कहा कि स्वप्न चिंतन से हमारा तात्पर्य है कि किसी भी ऐसे विचार की प्रक्रिया से है जिसकी वैचारिक प्रेरणा सामाजिक तथ्य की जो प्रत्यक्ष प्रक्रिया है उससे ना मिलकर के उसके प्रतीकों के द्वारा कल्पनाओं स्वप्नों और अवधारणाओं यानी कि जिसका भी अस्तित्व नहीं है उससे मिलने लगे। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो स्वप्न चिंतन जो है उस चिंतन समूह को कहा जाता है जो वर्तमान से उत्पन्न किंतु मुक्त भविष्य की कल्पनाओं पर आधारित होता है। अगली चीज है आपका स्वप्न चिंतन की मानसिक जो अवस्थाएं होती हैं तो इसकी चार मानसिक अवस्थाएं होती हैं, चार स्तर होता है। जैसे पहला है आपका धार्मिक चिंतन। स्वप्न चिंतन का जो यह आधार है ये पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापित करने से है। इसके अंतर्गत इस प्रकार के विचार और प्रेरणाएं व्यक्त की जाती हैं कि धर्म और ईश्वर ही सब कुछ है, इसलिए धार्मिक चिंतन में धार्मिक आधार पर समाज को बदलने का प्रयास किया जाता है कि दुनिया धार्मिक होनी चाहिए, धर्म के आधार पर होनी चाहिए, दुनिया को ये करना चाहिए वो करना चाहिए। दूसरा है आपका उदार मानवतावादी चिंतन, यानी कि स्वप्न चिंतन की यह दूसरी अवस्था है। स्वप्न चिंतन की मानवतावादी विचारधारा का जो जन्म है ये वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में होने वाले संघर्ष के परिणाम स्वरूप है और इस प्रकार की विचारधारा के व्यक्ति प्रत्येक समस्या को नैतिक आधारों पर जो है प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं और ये मानवतावादी होते हैं तथा पूर्ण रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का प्रतिपादन करते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए और इस विचारधारा के व्यक्ति अपने प्रचलित जो सांस्कृतिक प्रतिमान है उसमें पूर्ण विश्वास करते हैं और ये व्यक्ति वो होते हैं जो संभावनाओं में विश्वास रखते हैं, वो व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करना नहीं चाहते बल्कि उसे बदल करके उसकी आलोचना करने में विश्वास रखते हैं कि हाँ ठीक है अगर कुछ गलत है तो उसको हम चेंज करेंगे। अगली चीज़ है आपका रूढ़िवादी चिंतन, यानी कि चिंतन की इस विचारधारा के समर्थक जो है वो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करते हैं कि जो चीज है वो होनी चाहिए चलनी चाहिए ऐसे ही, वो वर्तमान व्यवस्था और वातावरण के प्रति पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हैं, वो नवीन परिवर्तन को किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं करते हैं। इनका विश्वास होता है कि वर्तमान व्यवस्था में विरोध में यदि कोई विद्रोह हो जाए तो ये भी प्रतिकूल विद्रोह पर विश्वास रखते हैं कि हम इसके खिलाफ भी विद्रोह करेंगे। और चौथी चीज आती है इसका समाजवादी साम्यवादी चिंतन, यानी कि समाजवादी साम्यवादी चिंतन के अंतर्गत वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के प्रति असंतोष व्यक्त किया जाता है। जो व्यक्ति इस विचारधारा के पोषक और समर्थक हैं वो भविष्य पर अधिक विश्वास करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता समानता पूंजीवाद का उन्मूलन करना होता है। समाजवादी चिंतन में विचार केवल सपनों के आधार पर ही नहीं होते हैं बल्कि सामाजिक जीवन में भी इसका अस्तित्व देखने को मिलता है, जबकि साम्यवादी जो चिंतन होती है वो पूंजीवादी के विनाश पर ही परिवर्तन को संभव बताती है कि पूंजीवादी का विनाश होगा तभी परिवर्तन हो सकता है। समाजवादी और साम्यवादी चिंतन में मार्क्सवादी विचारों की काफ़ी प्रधानता रही है। वे ऐसे युग की कल्पना करते हैं जहां किसी का शोषण नहीं होगा, मानवीय समानताएं होंगी और उनकी सर्वोच्च स्थिति हो सकेगी। तो ये था कार्ल मानहीन का जो विचार था स्वप्न चिंतन को लेकर के और इसके पहले जो हमने बात किया हुआ है उनकी वैचारिकी को लेकर के कि वैचारिकी का विचार उनका क्या था। तो ये सारा हमारा सेकंड क्वेश्चन में था और फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कार्ल मानहीन के बारे में जाना। तो ये थे हमारे पहले वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था और बड़ा भी हो गया है वीडियो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था ये चीज़ को समझना। तो दो क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किया हुआ है और आने वाले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।